भगवान शिव की कथा है। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो, नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, इतना भी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस उतना भी बहुत है। ये पांच। और छठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर एक बारा ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रस तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है, शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को, लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को, एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे वो हाफ सेट देखिया जाती है। सोचो, जरा विचार करो, खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है, तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है, कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई है, डोकरी निकाल के ना दे दे, कच्छो विश्वास कहा, भरोसा कहा। पूर्णता कहां है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्या दान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्न दान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्या दान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे, ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में है। एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो, पाप भी तो देखो। मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी उसी पुण्य में से कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सरी, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा, कन्यादान, वस्त्र दान, अन्न दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, भागवत रामायण गीता यज्ञ अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य
तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। तो भगवान शंकर की कथा कर रहा है, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाए हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाए तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा और महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा पर बोल सकता नहीं। ताप पड़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पांव दुख रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ बिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए, यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए, यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता, यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता है। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले, बोलो तो सही। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया, 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घर जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी, तो कहना महाकाल के घर गई थी, उसने बुलाया था। रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज देंगे। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का है, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? उसको लगा मैं दुकान पे रहता हूँ तो सकता दुकान का मंगरा, उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो व्यक्ति ने कहा ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का, की दुकान यहाँ है वो वहाँ घर है, तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, तू रहता कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है, मनुष्य वहां निवास करने वाला है, बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहां पहुंच जाता है, आखिरी।
कहा सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी ना सोना। हमसे भी लोग कहते हैं गुरुजी तुम कथा वास्ते इतना सारा सोना मोना पहन के बैठते हो, तो हमने कहा जजमान लोग दे तो क्यों नहीं पहने। अरे बोलो तो दीजिए कई करे कई बाद में जोड़ जोड़ के औलाद के देखे ना है तो तुम्हारे पास भी, बस तुम भी जोड़ जोड़ के ला कर में अलमारी में ला कर में। और एक आध दिन मर गई और सारा पड़ा की पड़ा दे गया, ऊपर जाके याद करेगी वाला हार तो पहने ही नहीं, फिर कई मतलब का। जितनी साड़ी धरी है सब पहन लो जीजियो, बाद में किसी काम की सब धरी दे जा। ऊपर जाती जाती यमराज फेंकेगी नीली वाली तो पहने नहीं थी, अभी पी को लगवाई थी, एक बार फिर से छोड़ दे वंश मोर। भगवान भी यमराज भी कहेगा चल ऊपर चल, अब कहीं नहीं पहने ले गया नहीं करे खूब जोड़ा आखिरी में यही छोड़ा। और फिर इतना बड़ा फोटो टंगा उसमें प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखा में माला यूं छिले, पंखा में माला हिले और डोकरी फोटो में स्माइल दे। वो डोकरी भी इसलिए स्माइल दे कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए यही टंग गए तुझे भी टंगना है, इसलिए डोकरी भी हंसे। गीता वाटी का गीता प्रेस में कथा बाची, क्या तीन चार साल हो गए गीता प्रेस गीता वाटी, उन्होंने कहा गीता वाटी का वालों गुरु जी हमारा गीता प्रेस वालों की ओर से कैंसर हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप चलिए देखने गए। बड़े बड़े करोड़पति भी अटैची लेकर पैसे की खड़े थे कि मेरे पिता के कैंसर ठीक कर दीजिए, इनका ये पत्नी का कैंसर, अटैचियों में माल भरा था और कह रहे थे ये ठीक कर दीजिए, अटैचियों में माल भरा काम आ सकता है, अटैची भर कर रखी हुई है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर औषधि भी काम नहीं करती वहां पर शिव की करुणा काम कर जाती है और कृपा बरसा देती है, शिव की कृपा। हजारों हजार भागवत, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार गीता का स्मरण करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता वो मात्र एक दिन की मात्र 5 मिनट की शिव महापुराण श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। शंकर की कथा का रसत्व ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है मात्र एक क्षण की, एक क्षण। और बहुत किस्मत वाले हो साहब, आपके बच्चों ने, आपकी बहुओं ने, आपकी बेटियों ने, आपके परिवार वालों ने आपको जमा कर सूटके सटेची जमा कर भेजा है साहब। आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा मम्मी जाओ, पापा जाओ, हम बोलते हैं, हम बुक कराते हैं। याद रखना कोई एक बेकार काम करते हैं तो हमारे पितरों को लोग देखने तक नहीं जाते, पर घर का एक व्यक्ति भी अगर पुण्य का कार्य कर लेता है तो उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं नारायण जाकर थपथपाते हैं कि तेरे वंश में कोई पैदा हुआ जिसने सत्कर्म करा, सत्कर्म किया। और आपके ऊपर जो कृपा है, आप जो यहाँ महाकाल की नगरी में बैठे थे, तुम्हारी तुम्हारा तो है पर तुम्हारे भी पितरों की ना जाने कितने पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, उन्होंने धक्का मारकर तुम्हें महाकाल की नगरी में भेज दिया। कहीं पूर्वजों की, कहीं पितरों का आशीर्वाद, कहीं आहुत और वासुकों का आशीर्वाद जो हमको परमात्मा की शरणागति तक लेकर जा रहा है, भगवान के चरणारविंद तक। बिंदु को जो लेकर आता वो चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको भोग में लगा लेती है, पर चंचुला कभी धर्म में नहीं लगाती। धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति की कमाई का एक अंश निकाले और वो ले जाकर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में लगा दे, एक अंश निकाल कर वो धर्म में लगाए तो धर्म पत्नी है। पर आजकल की पत्नियां ऐसी हैं, निकालती तो हैं पति की कमाई का प्रस्ताव डेंटिंग पेंटिंग में लगाया, वो धर्म में लगाई नहीं पाती।